हाय पीपल, वेलकम बैक टू बेटर ड्राइव्स अगेन। एंड आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक अलग ही सेगमेंट की गाड़ी। ऑफ रोडिंग बोलिए, चाहे आप सिटी ड्राइव बोलिए, या फिर आप उसको लग्जूरियस कार बोलिए, वो मैं पेश करने वाली हूँ आपके सामने आज, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एल से ही बहुत अपने सेगमेंट में राज करने वाली गाड़ी थी, ऑफ रोडिंग के लिए काफी फेमस गाड़ी थी। लेकिन अभी जो इसका फेसलिफ्ट आया है एन, वो काफी बल्की लगता है एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ये दोनों ही डीजल एंड पेट्रोल दोनों में आता है। डीजल में आपका आता है 2.2 लीटर डीजल इंजन, एंड अगर पेट्रोल में कोई ऑप्ट करता है तो उसको मिलता है 2 लीटर पेट्रोल इंजन। तो आगे बढ़ने से पहले, बाकी फीचर्स एंड वॉक अराउंड करने से पहले, जो इस व्यूअर्स इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमको ये वीडियोस आपके सामने लाने में। एंड डेफिनेटली हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, एंड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो एन की से। तो ये की स्कॉर्पियो की ऐसी आती है जो महिंद्रा में जैसी कीज आती है वैसी इसकी है, एंड इसको प्रेस करने से आपकी ये वाली की भी ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको लॉक बटन दिया है, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरी कार को अनलॉक भी कर सकते हैं, और की को वापस करने के लिए इसको आप प्रेस करके ऐसे प्रेस कर लेना है। तो चलिए आप फ्रंट प्रोफाइल हम देखते हैं। इसमें फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिखती है एंड बहुत ही मस्कुलिन दिखती है, परफेक्ट फॉर ऑफ रोडिंग। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ग्रिल है बहुत बड़ा है। यहाँ पे न्यू महिंद्रा का लोगो दिया गया है, और यहाँ पे सिक्स पैनल्स दिए गए हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ, जो इस लुक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ये पूरा ब्लैक में क्लैडिंग दी गई है, स्किड प्लेट यहाँ पे सिल्वर में दी गई है। तो बात करते हैं अगर हम लाइट यूनिट्स की, तो यहाँ पे आपको मिलता है ये डे रनिंग लाइट जो आपकी टर्न इंडिकेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एंड ये LED हेडलैम्प आपको मिलता है जो हाई एंड लो बीम की तरह भी काम करता है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूट सा फॉग लैम्प। तो यहाँ पे देखिए आपको डे रनिंग लाइट यहाँ पे भी मिलती है फॉग लैम्प के यूनिट के साथ। और अब ध्यान से आप देखेंगे जो नया अपडेट है स्कॉर्पियो एन में, वो है यहाँ पे आपको मिलते हैं एयर कर्टेंस। एयर कर्टेंस आपका यहाँ से जो जब ड्राइव करते हैं सामने से एयर पास होती है, एयर कट करता है, इस वजह से आपको ज़्यादा माइलेज इसमें मिलता है कंपेयर टू पुराना स्कॉर्पियो। तो अभी हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल बहुत ही लंबा आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपकी जो क्लैडिंग है ब्लैक कलर की क्लैडिंग है वो थ्रू आउट द बॉडी रनिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट मिलेगा थ्रू आउट दोनों फोर डोर्स में सिल्वर कलर का। एंड यहाँ पे आपको फुट रखने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ऊंची है तो यहाँ पे आपको ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे एक फुट रेस्ट मिलेगा। और अगर ORVMs की हम बात करें तो बहुत ही बड़े ORVMs, देखिए ना कितने बड़े हैं, बहुत बड़े ORVMs मिल रहे हैं। तो इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स के साथ ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिलेंगे। चारों विंडोज पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, एंड डोर हैंडल्स पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिलेगी। आगे दोनों डोर्स में आपको कीलेस एंट्री मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो बिग साइज रूफ रेल आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए बहुत ही बिग साइज रूफ रेल आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड ये जो क्वार्टर ग्लास है ये भी काफी लार्ज साइज में मिलने वाला है। तो रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से आपको एक थोड़ा सा मतलब खूबसूरत लुक मिल रहा है स्पोर्टी लुक के साथ। तो पीछे आप देखिएगा ऊपर में आपको मिलेगा शार्क फिन एंटीना, जो आपका बॉडी कलर आएगा उसी कलर में आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। एक देखिए बहुत बड़ा सा आपको लार्ज साइज स्पॉइलर मिलेगा, यहाँ पे ब्रेक लाइट्स मिलेंगी, तो साथ ही साथ आपको मिलेगा डिफॉगर एंड रियर वाइपर। यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बैक कैमरा, एंड पीछे में आपकी ये ब्लैक में आपको पूरी क्लैडिंग मिलने वाली है विद सिल्वर क्रोम यहाँ मिलेगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी। अब पीछे में आपको यहाँ पे दो सेंसर मिलेंगे, आगे में भी आपको दो सेंसर मिलेंगे। ये आपको टेल लैंप मिलेंगे विद सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे भी आपको कीलेस एंट्री मिलने वाली है। तो थोड़ा मैं दिखा देती हूँ, ऐसे आप इसको ओपन करना है, इसको लिफ्ट नहीं करना है, बस डोर ओपन करना है।
तो ऐसा सिंपल सा प्लेन सा डोर है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ पे भी आपको एक लीवर मिलेगा डोर ओपन करने के लिए। तो थर्ड रो जो है वो थोड़ा सा आपको जो बूट स्पेस मिलेगी जब फुल सारे सीट्स ओपन रहेंगे, तो आपको ये नियर अबाउट 70 लीटर्स की बूट स्पेस मिलने वाली है। और जो आपका स्पेयर व्हील है वो नीचे में आएगा, ये देखिए स्पेयर व्हील जो है ये नीचे में आएगा, ये भी आपको 18 इंच अलॉय व्हील मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा सारे टूल किट। थर्ड रो आपका स्प्लिट नहीं होता, जैसे आपने सफारी का वीडियो देखा था वहां पे थर्ड रो आपका स्प्लिट हो जाता था, यहाँ पे थर्ड रो स्प्लिट नहीं होता है। तो ये ऐसे आपका ये लिफ्ट करने से खींचने से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, एंड ये वाला नॉब करने से लिफ्ट करने से ये टंबल हो जाएगी। तो ये पूरी सीट ऐसे टंबल हो जाने से फिर आपको काफी अच्छी बूट स्पेस मिल जा रही है। मैं बूट स्पेस एंड डायमेंशंस गाड़ी के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और ये इतनी स्पेस आपको मिल जा रही है। और अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, पावर सॉकेट मिल जाता है। सफारी का आपने जो वीडियो देखा था वहाँ पे यहाँ पे नॉब दिया था जिस वजह से थोड़ा सीट्स इजीली फोल्ड जाते हैं, यहाँ पे ये खींचने में बहुत ही थोड़ा सा मेहनत लगती है। अभी हम इंटीरियर चेक करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल कैपेसिटी 57 लीटर फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, इसको ऐसे प्रेस करने से ये ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आपका डीजल फिल होता है एंड यहाँ पे आपका DEF लुब्रिकेंट फिल होता है, जो अब भारत स्टेज 6 फेज 2 की सभी गाड़ियों में आ रहा है। तो ये आपका आएगा एंड DEF आपका 10,000 प्लस रनिंग होने के बाद आपको फिल कराना होता है। तो जब आप डोर ओपन करते हैं इसमें बहुत ही लग्जूरियस इंटीरियर्स आपका स्वागत करते हैं, और यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाएगा, ब्राउन एंड ब्लैक फिनिश में आपको सारे डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाएंगे। और अगर डोर की बात करें ड्राइवर डोर में आपको यहाँ पे ORBMs के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, यहाँ से आप ORBMs को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ये चारों पावर विंडो के बटन्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज मिल बॉटल स्टोरेज एंड अदर स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिलेगा स्कॉर्पियो एन में इंग्रेस के लिए, यहाँ पे एक हैंडल दिया है ताकि आपका इंग्रेस इजी हो जाए। तो सीट की बात करते हैं तो लेदर सीट्स इसमें मिलती है ब्राउन एंड ब्लैक फिनिश में, और काफी वाइड एंड अप वॉल स्टीयरिंग इसकी काफी अपराइट है। और यहाँ पे आपको मिलता है 6-way एडजस्टमेंट बटन्स मिलते हैं, कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको मिलता है लंबर सपोर्ट, ये देखिए जिसका बैक में पेन होता है या जिसको थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम होता है तो ये लेकिन मैनुअली मिलता है, तो लंबर सपोर्ट है। ये सीट अपने आप थोड़ी फूल जाती है एंड इस वजह से आपको बैक में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, काफी हेल्पफुल होता है जिसको बैक पेन रहता है। एंड जो ड्राइविंग रेगुलरली करते हैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं उनका बैक पेन स्वाभाविक है कि लॉन्ग रन में उनको बैक पेन निकल आता है। तो स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको लेदर रैप स्टीयरिंग कंट्रोल मिलता है, लेकिन ये टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं है, ये ओनली टिल्ट स्टीयरिंग है, आप इसको सिर्फ ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ओनली ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑटो पार्किंग का बटन मिलने वाला है, यहाँ पे आगे के हेडलैम्प्स के कुछ कंट्रोल मिलेंगे, एसी वेंट यहाँ पे मिलेगा एंड यहाँ पे आपको स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, साथ ही साथ MID के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे ताकि आप अपने स्क्रीन पे MID के कंट्रोल्स मिलेंगे, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर मिलता है, सारे कंट्रोल्स के रीडिंग्स इस पे आपको विजिबल हो जाते हैं। तो जब आप डैशबोर्ड देखते हैं तो उसका सेंट्रल कंसोल में आपको जो AC वेंट मिलता है वो यहाँ पे साइड में मिलता है। तो यहाँ पे आपको 7-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा एंड आपको जो स्पीकर्स मिलेंगे, आपको 12 स्पीकर मिलेंगे फ्रॉम सोनी के, बहुत ही अच्छे साउंड क्वालिटी के आपको स्पीकर मिलने वाले। आप जब ये डैशबोर्ड देखेंगे तो डैशबोर्ड वाइड नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है, काफी गाड़ीज में डैशबोर्ड बहुत एक्सटेंड हो जाता है आगे तक, बट इसका डैशबोर्ड थोड़ा शॉर्ट ही रखा गया है।
ये जो IRVM मिलेंगे ये आपको मैनुअल मिलेंगे, ऑटो डिमिंग IRVM इसमें नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन में बहुत सारे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। व्हीकल के फंक्शंस आप इसमें से देख सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा विद लाइट। छोटा सा ये ग्लोव बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे आपको टोटल लेदर फिनिश मिल जाएगी। तो फिट एंड फाइन ऑफ द मटेरियल इज वेरी गुड। और यहाँ पे अगर यहाँ की लाइट की बात करें तो केबिन की लाइट काफ़ी पावरफुल है, बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसमें। यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए स्पीकर है, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर है, एंड यहाँ पे आपका सनरूफ भी है। देखिए सनरूफ को ये आपको मैनुअली ही पुश करना पड़ेगा इसका एक लेयर, एंड उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा ये सनरूफ। तो सनरूफ ये ज़्यादा पीछे तक एक्सटेंडेड सनरूफ नहीं है, ये यहीं तक का एक सनरूफ है जैसा मैंने आपको ब्रेजा में दिखाया था। एंड विटारा एंड जो सफारी का सनरूफ था वो पीछे तक जाता था, पीछे पैसेंजर्स तक जाता था, बट इसका सनरूफ सिर्फ यहीं तक है। वाइड है बट लंबा नहीं है, तो थोड़ा खुला रहने देते, लाइटिंग अच्छा आता है। तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये स्लाइडिंग नहीं है और लेदर कुशनिंग के साथ है। इसको लिफ्ट करने से ये खुल जाता है। इसके नीचे स्टोरेज स्पेस जो है लिमिटेड है, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है इसके अंदर। तो पीछे भी आपको पावर विंडोज मिलेंगे, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेगा, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेगा। सेकेंड रो आपकी 3-सीटर है, अगर मान लीजिए आपका थर्ड पैसेंजर नहीं है तो ये आपका हैंडरेस्ट ओपन होके 2 कप होल्डर्स इसमें है। और ये 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ मिडिल में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 AC वेंट, यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको AC के फैन आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और तो यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी केबिन लाइट मिलेगी जो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी हाई ब्राइटनेस है। एंड पीछे में अगर थर्ड रो की आप बात करें, पीछे में आपको मिलने वाले हैं 2 स्पीकर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिलेगी दोनों साइड में। तो स्कॉर्पियो पहले भी मार्केट में थी, लेकिन क्या खास है स्कॉर्पियो एन में आपको मिलने वाले हैं 4-व्हील ड्राइव, एंड 4-व्हील ड्राइव आपको ओनली टॉप मॉडल में मिलेगा, वो भी डीजल के साथ। ये मॉडल आपको पेट्रोल में भी अवेलेबल है, डीजल में भी अवेलेबल है। इंजन की स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स सारी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हार्डली थैंक्स से बोलना चाहूँगी सिद्धि लक्ष्मी मोटर्स अंगुल को, जिन्होंने हमको मौका दिया यहाँ पे स्कॉर्पियो एन को रिव्यू करने का, वॉक अराउंड करने का। शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर कोई भी मॉडल लेना चाहता है यहाँ पे अवेलेबल है, स्टॉक में भी है, एंड यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से आके आप मीट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वॉक अराउंड स्कॉर्पियो एन का, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछिए, मेल लिखिए, मैं उसको आंसर करूँगी एंड आपको बेस्ट सॉल्यूशन लाके दूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।